नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए, कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564503096906089745385 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। दोस्तों, हिस्ट्री के कंपाइलेशन का हमारा क्रम लगातार चल रहा था और इसमें दो वीडियोस हमने इससे पीछे देखे थे, ये तीसरा पार्ट है। पहले दो पार्ट जो शुरुआती है उन्हें देख लीजिएगा, इससे एक सीक्वेंस बना रहेगा और शुरुआत से जब आप पढ़ते हैं तो आपको पढ़ने में मजा आता है, चीजें याद रहती हैं। फिलहाल इसे स्टार्ट करते हैं। ये इंग्लिश मीडियम वाली सीरीज है, बाइलिंगुअली एक्सप्लेन किया जाता है। अगर आप हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी हैं तो हिंदी वाले वीडियोस पहले से बने हुए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर लौट चलते हैं। पैलियोलिथिक एज को हमने देख लिया था, हमने देखा कि सिर्फ जो लिथोस हैं यानी स्टोन्स हैं उन्हीं का यूज़ करके जो हमारा पुराना यानी आदि मानव था वो जीवन यापन कर रहा था, उसी से वो सारे टूल्स बनाता था, उसी में रहता था, मतलब जो केव्स होती थी उनके अंदर रहता था। और वो केव जो है वो किसी जंगली भालू या शेर की हुई तो वो मारकर खा भी लेते थे उसे, ये भी होता था, मतलब दुर्घटनाएँ होती थी। तो अपने बचाव के लिए उसने टूल्स डेवलप किए। और दूसरी चीज़ ये है कि पेट भी तो भरना था, उसे मालूम हुआ कि मांस को खाया जा सकता है लेकिन आग का उसने कुछ इजाद किया नहीं था, मतलब आविष्कार हुआ नहीं था, तो ऐसे में वो कच्चा मांस ही खा लेता था और जानवर को मारने से जो उसकी खाल बचती थी उसको पहन लेता था। इस तरीके से उसका जीवन चल रहा था, तो नितांत ही जंगली जीवन था। वो घूमता टहलता रहता था, एक जगह टिक कर नहीं रहता था, जहाँ खाने के लिए मिला वहीं गए और वहीं पर रुक गए, फिर आगे बढ़ गए, ऐसे चलता था। तो वो एक शिकारी की हैसियत से देखा जाता था या फिर एक फूड कलेक्टर और ग्रेन कलेक्टर की हैसियत से देखा जाता था। बाद में उसने एक जगह टिक कर रहना शुरू किया तो वो आगे की चीज़ है। अब यहाँ पर हम देखेंगे मेसोलिथिक एज को, जो कि एक ट्रांजिशन फेज है, मतलब न तो इसमें पूरी तरह से पैलियोलिथिक की तरह जंगली बना है और न पूरी तरह से जो नियोलिथिक एज है उसकी तरह सभ्यता है, ये बीच की कड़ी है, यानी सुधार हो रहा था, थोड़ा थोड़ा जो क्रमिक डेवलपमेंट होता है वो दिखाई दे रहा था। तो इसमें पहले जो मेसोलिथिक वर्ड है इसका मतलब क्या है ये जानने की आवश्यकता है। तो मेसोस जो ये वर्ड यूज़ किया गया है इसका मतलब होता है मिडिल यानी बीच का, और लिथोस का मतलब आपने पिछले वाले में ही देखा था, स्टोन्स होते हैं इसका मतलब। तो मेसोस और लिथोस यानी ये मिडिल स्टोन एज है, मध्य पाषाण काल आप इसे हिंदी में इसीलिए कहते हैं, बीच का समय है, जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ना आवर्त सारणी में, पीरियोडिक टेबल में, ठीक वैसे ही। दिस पीरियड इज आल्सो कॉल्ड द एपी पैलियोलिथिक एज, द अर्ली और प्रोटो नियोलिथिक एज, या फिर आप कहें कि ट्रांजिशन फेज, कई सारे इसके नाम हैं, जैसा आप बुलाना चाहें। अब यहाँ इसके बारे में सबसे पहले इन्फॉर्मेशन कब मिलती है, अपने देश के संदर्भ में देखेंगे तो अपने देश में सभ्यताएं भले ही बहुत समय से गड़ी हुई हों नीचे, लेकिन जानने का काम या उनके बारे में खोजने और खोदने का जो काम है वो बहुत बाद में शुरू होता है, अंग्रेजों के समय में। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट मेसोलिथिक पीरियड इन इंडिया केम इन 1867 AD व्हेन सीएल कार्लाइल, ये जो पुरातत्वविद हैं इन्हें याद रखिएगा, तो सीएल कार्लाइल हैड डिस्कवर्ड द माइक्रोलिथ्स फ्रॉम विंध्य रीजन। इन्होंने जो विंध्य रीजन है यानी जो उसका पठारी क्षेत्र है वहाँ से माइक्रोलिथ्स खोज निकाले, और ये माइक्रोलिथ्स ही इस पूरी मिडिल स्टोन एज के बारे में हमें जानकारी देते हैं। ह्यूमन स्केल्टन आर फर्स्ट फाउंड इन इंडिया फ्रॉम मेसोलिथिक पीरियड, ये जो ह्यूमन स्केल्टन्स हैं ये मेसोलिथिक पीरियड के ही भारत में प्राप्त होते हैं, उससे पीछे वाले नहीं मिलते। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि माइक्रोलिथ्स मेनली बिलोंग टू मेसोलिथिक पीरियड, ये जो माइक्रोलिथ है इनका संबंध किससे है, मुख्य रूप से मेसोलिथिक पीरियड से, और मेसोलिथिक पीरियड इज कॉन्सिडर्ड एज ट्रांजिशन पीरियड। ये तो हमने ऊपर ही देख लिया है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ कुछ और अच्छी अच्छी बातें हैं, जैसे कि कुछ मानव कंकाल यानी ह्यूमन स्केल्टन्स पाए गए हैं जो कि 14 हैं संख्या में, हैव आल्सो बीन फाउंड फ्रॉम लंगनाज, और ये लंगनाज है कहाँ पे, तो ये गुजरात में पड़ता है। अ लार्ज नंबर ऑफ इम्प्लीमेंट्स मेड ऑफ बोन्स एंड हॉर्न्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम द मेसोलिथिक साइट महदहा, और ये महदहा जो साइट है ये पड़ती है प्रतापगढ़ जिले में जो कि है उत्तर प्रदेश, ठीक है, इलाहाबाद का पड़ोसी जिला है। अब यहाँ आप एक किताब के बारे में देख रहे हैं, ये जगह का नाम आप याद रखिएगा, ऐसे पूछा जाता है कि जो 14 ह्यूमन स्केल्टन है वो किधर से मिले हैं, इसको मैच करके देखिए कि कौन सी चीज़ कहाँ से मिली हुई थी, तो ऐसे आपको जानकारी होनी चाहिए। अच्छा, अब यहाँ अगर आप देखें तो द बुक पुरातत्व विमर्श, ये हिंदी में लिखी गई किताब है इसलिए इसका नाम जो है वो हिंदी में है, रिटन बाई डॉक्टर जय नारायण पांडे, डिस्क्राइब वेरियस पॉइंटेड ऑब्जेक्ट एंड ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ बोन्स विच हैव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम सराय नाहर राय, यहाँ जगहों के नाम आप देख रहे हैं, सराय नाहर राय, दमदमा एंड महदहा, ये तीन स्थान जो है यहाँ से ये जो बोन्स या उनसे बने हुए जो टूल्स हैं वो पाए गए हैं, और ये इनकी पुस्तक है, जय नारायण पांडे का नाम आप याद रखेंगे और किताब का नाम याद रखेंगे पुरातत्व विमर्श। जो वन लाइनर फैक्ट होते हैं उसके तरीके से आपको देखना है क्योंकि प्रिलिम्स के उद्देश्य से आपको अभी तैयार होना है। आगे बढ़ते हैं, एविडेंसेज ऑफ गारलैंड मेड अप ऑफ एंटीलोप रिंग्स हैज बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम मेसोलिथिक आर्क्योलॉजिकल साइट महदहा,
ये जो महदा नाम की मेसोलिथिक आर्कियोलॉजिकल साइट है, इसकी जो लोकेशन है आपको बता दी गई है। तो यहाँ से गारलैंड जो है वो प्राप्त हुआ है और इसकी संरचना कैसी है वो आप जान रहे हैं। इसके बाद आप यहाँ देखिए, इन दमदमा 41 ह्यूमन ग्रेव्स वर फाउंड। मामूली बात नहीं होती है, 41 जो ह्यूमन ग्रेव्स हैं वो पाई गई। दमदमा इज अ मेसोलिथिक साइट इन प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। अ ग्रेव विथ 4 ह्यूमन स्केल्टन हैव बीन फाउंड इन सराय नाहर राय। मतलब एक साथ वहाँ पर 4 लोगों को दफनाया गया था, तो निश्चित बात है कि वो एक साथ मरे होंगे, तभी एक साथ दफनाया गया है और वो एक ही परिवार के रहे होंगे। तो इससे ये पता लगता है कि हो सकता है कि वहाँ पर कोई पेंडेमिक का जो फेज़ है वो गुजरा हो, जैसे अभी कोरोना महामारी में हुआ था। गंगा के तट पे पूरी लाशों की भरमार लग गई थी, जलाने के लिए लोगों को जगह नहीं मिला तो फिर दफना दिया वहीं बालू में, ऐसे होता था, लकड़ी कम पड़ गई। तो उस तरीके का कोई महामारी आ रहा होगा, तो उसमें 4 लोग जो है वो एक साथ मर गए होंगे। मतलब ये अटकलें हैं, तमाम अंदाजे हैं। तो यहाँ ये 4 ह्यूमन स्केल्टन्स जो है ये सराय नाहर राय से प्राप्त हुए। और यहाँ आप देख रहे हैं कि इन एडिशन टू मेसोलिथिक स्मॉल स्टोन टूल्स, पहले इंसान क्या करता था, जो पैलियोलिथिक एज थी उसमें जो टूल्स वो बनाता था, टूल्स तो उस समय भी होते थे लेकिन वो बड़े ही भद्दे और बेडौल होते थे। मतलब ऐसे ही बिना किसी आकृति के, बस पत्थर को लकड़ी, और लकड़ी भी नहीं होती थी उनके पास, लकड़ी का यूज़ करना वो नहीं जानते थे, पेड़ पौधे तो थे ही, तो पत्थर से ही वो तरह तरह के टूल्स बनाते थे और जानवरों को मारने के लिए उतने से ही काम चला लेते थे। लेकिन जब बाद में समय बीतता है, डेवलपमेंट आगे की ओर बढ़ता है, तो उसमें इंसान उन चीज़ों को तराश कर थोड़ा कायदे का बनाना सीखता है, तो उसमें बारीकी आ जाती है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि स्मॉल स्टोन टूल्स जो हैं, इसके अलावा 17 ह्यूमन स्केल्टन्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम द रॉक शेल्टर नंबर 1। और ये रॉक शेल्टर नंबर 1 कहाँ पे है, तो लेखैया में है, और ये लेखैया जो क्षेत्र है ये विंध्य रीजन का हिस्सा है। तो इतनी छोटी छोटी जानकारियाँ हमने एक साथ यहाँ पर देखी। अब एक आइवरी पेंडेंट की बात हो रही है और साथ में मेरी टाइप ऑफ टूल्स मेड अप ऑफ बोन्स हैव बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम दमदमा। ये सब दमदमा से पाया गया है और अ मेसोलिथिक साइट लोकेटेड इन प्रतापगढ़, ये तो हमने पीछे ही देखा था। अकॉर्डिंग टू एक्सकेवेटेड एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स बिगेन इन मेसोलिथिक पीरियड। ये जो एविडेंस है ये कहाँ के मिलते हैं, तो ये भी पैलियोलिथिक के नहीं मिलते हैं, उस समय जानवर कहाँ इंसान पालता था। ये सब काम जो है ये मेसोलिथिक पीरियड का भी जो लास्ट टाइम है, मतलब एकदम जो आखिरी दौर चल रहा था कि उसके बाद फिर न्योलिथिक स्टार्ट होता है, वहाँ पर ये पशुपालन यानी जो एनिमल हस्बेंड्री वाला काम है ये फुटकर तौर पर स्टार्ट होता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं, और द अर्लीस्ट एविडेंसेज ऑफ, यहाँ आप देखें, द अर्लीस्ट एविडेंसेज ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स इन इंडिया हैव बीन फाउंड एट आदमगढ़। और ये आदमगढ़ है होशंगाबाद मध्य प्रदेश में, एंड बागौर डिस्ट्रिक्ट, ये बागौर जो है ये बागौर जगह का नाम है, ये भीलवाड़ा में पड़ता है राजस्थान में। तो यहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं डोमेस्टिकेशन के प्रूफ या एविडेंसेज। अब भीमबेटका सिचुएटेड इन रायसेन डिस्ट्रिक्ट, यहाँ से मैटर चेंज हो गया है। भीमबेटका सिचुएटेड इन रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स। यहाँ की जो रॉक पेंटिंग है ना वो हमें बहुत कुछ बताती है पुरानी जीवन शैली के बारे में, और जितना बताती हैं वो कम है, अभी और भी बहुत कुछ उससे जानना बाकी। द बागौर इंडियाज लार्जेस्ट मेसोलिथिक एंशियंट साइट, ये ध्यान दीजिएगा, कभी कभी लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट पूछा जाता है, तो ये लार्जेस्ट मेसोलिथिक एंशियंट साइट है, इज लोकेटेड इन राजस्थान। तो ये जानकारी आपको दी गई, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑक्स, शीप, गोट एंड पिग वर राइज एज लाइव स्टॉक इन अराउंड 5000 BC, 5000 ईसा पूर्व का जो टाइम था, मतलब ईसा मसीह के जन्म से भी 5000 साल पहले, वहाँ से हमने पशुपालन शुरू किया था। और उसमें हम पालते क्या थे, तो बैल पालते थे, उसके अलावा जो शीप, गोट और पिग होते हैं वो भी पालते थे। अब बैल पालने का मतलब आप समझ रहे हैं, यहाँ पर जो जितने भी बोवियंस हैं उनका भी पालन पोषण करते थे। इसके बाद आप देखें यहाँ पर, ये तो 5000 BC की बात हो गई। सिंस देन दीज वॉज केप्ट एज लाइव स्टॉक, तब से लेकर अब तक वो लाइव स्टॉक के तौर पर हम उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। फ्रॉम 1968 टू 1970 वीएन मिश्रा गॉट द एक्सकेवेशन ईयर। वीएन मिश्रा के द्वारा यहाँ पे महत्वपूर्ण एक्सकेवेशन का काम किया गया और बहुत सारी चीज़ें जानने के लिए मिलती। नेक्स्ट, महदहा के बारे में कहा गया, और ये पट्टी वाला जो क्षेत्र है, ये पट्टी गांव का नाम है, मतलब एरिया है, प्रतापगढ़ का है, इज अ मेसोलिथिक साइट। द एविडेंस ऑफ स्लाटर हाउस, और स्लाटर हाउस मतलब एक ही कसाई घर का साक्ष्य यहाँ से मिला है, हैज़ बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम ईयर। मतलब पशुओं को उस समय भी मारा जाता था अपने भोजन के लिए या अन्य कामों के लिए। तो यहाँ तक हमने मेसोलिथिक एज को देखा, जिसमें कि हमने ये पाया कि इसमें पैलियोलिथिक एज के भी गुण पाए जा रहे हैं, और आगे की जो न्योलिथिक एज स्टार्ट हो रही है उसके भी जो एडवांस डेवलपमेंट के लक्षण हैं वो भी दिख रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं न्योलिथिक एज को, यानी अब इंसान जो है वो थोड़ा आधुनिक बन रहा है, धीरे धीरे करके बुद्धि और शरीर दोनों का विकास हो रहा है, तो क्षमताएँ बढ़ रही। शरीर के विकास होने का मतलब ये है कि उसकी ताकत भले कम हो जा रही हो, लेकिन उसकी जो बौद्धिक स्थिति है वो बढ़ रही है। इंसान पहले की तुलना में कम ताकतवर हुआ है। जानवर की ताकत आपने देखी है, हालांकि मनुष्य भी एक एनिमल ही है, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो बाकी जो जीव जंतु हैं जो कि जंगल में रहते हैं या ऐसे खुलेआम रहते हैं, उनकी ताकत हमसे कहीं ज़्यादा है, और हम ताकत के मामले में उनसे पीछे हैं, लेकिन बुद्धि की बदौलत उनके ऊपर राज करते हैं। तो दिमागी विकास हो रहा था, दिमाग की कीमत पर बाकी चीज़ों को यहाँ गंवाना पड़ा इंसान को। तो फिलहाल छोड़ते हैं इसे, न्योलिथिक एज को देखते हैं।
तो यहाँ ली मेजरायर का नाम दिया हुआ है, जिन्होंने कि डिस्कवर किया था न्यूलिथिक पीरियड। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो ली मेजरायर डिस्कवर द न्यूलिथिक पीरियड बाय डिस्कवरिंग पॉलिश सेल्ट एंड इन द टोन्स रिवर वैली। ये जो टोन्स रिवर की घाटी है, मतलब वैली है, यहाँ से बहुत सारे जो पॉलिश सेल्ट है वो पाए गए थे। साथ में ये देखिए डेट दी हुई है 1860 की, तो डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ जो व्यक्ति का नाम है और जगह का नाम है वो आपके लिए महत्वपूर्ण। द न्यूलिथिक पीरियड इज सेड टू हैव स्टार्टेड बाय बिगिनिंग ऑफ यूज ऑफ चिसल प्लैंक एंड पॉलिश टूल। इस तरह के जो पॉलिश टूल्स और प्लैंक इत्यादि थे, इनका इस्तेमाल करने से इसकी शुरुआत मानी जाती है। मतलब ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस कैटेगरी के थे। अगर आप पैलियोलिथिक से कंपेयर करेंगे तो आपको लगेगा कि कितना डेवलपमेंट हुआ था। आगे बढ़ते हैं, न्यूलिथिक के और भी चीज़ों को देख लेते हैं। द 80,000 टू 1 लाख ईयर ओल्ड रिमेन्स ऑफ मॉडर्न मैन वर डिस्कवर्ड फ्रॉम केव ऑफ बोर्नियो। बोर्नियो की गुफा से ये जो इतने पुराने मनुष्य के अवशेष हैं वो प्राप्त हुए हैं। मतलब वो पूरी तरह से स्केल्टन भी नहीं बचे होंगे, उनका जो चूरा है वो बचा है, तो उससे बहुत कुछ जानने के लिए मिलता है। न्यूलिथिक साइट कॉल्ड महागढ़ा इज लोकेटेड इन विंध्य रीजन। ध्यान दीजिएगा कि ये महदहा नहीं है, महागढ़ा है। और इसकी जो लोकेशन है ये 70 किलोमीटर साउथ है इलाहाबाद से, बैंक ऑफ रिवर यमुना। द ऐश माउंट बिलोंग टू न्यूलिथिक कल्चर ऑफ साउथ इंडिया। अब यहाँ पे नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में एक जैसा कल्चर उस समय भी नहीं था। जिस एरिया में जहाँ जैसे लोग रहते थे और जैसी सिचुएशन होती थी, कुल मिलाकर बात यहाँ पर मूल रूप से सिचुएशन की है, वहाँ की ज़मीन, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का क्लाइमेट, तो उसके आधार पर सब कुछ तय होता था कि वो अपनी अपना जो अंतिम संस्कार है उसको कैसे करेंगे। तो जो साउथ इंडियन रीजन था वहाँ पर अंतिम संस्कार करते थे, जो अवशेष होता था उसको घरों के अंदर दफनाने के साक्ष्य मिले, और कई कई बार ऐसा होता था कि शव को ही दफना देते थे। तो उन्हीं के बारे में हम देखने जा रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखें कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेज ऑफ ओल्डेस्ट स्टोव इन इंडिया, यहाँ पर आप देख रहे हैं ओल्डेस्ट स्टोव इन इंडिया हैज बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम बिलासुरगाम इन कुरनूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो ये एक छोटा सा यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। और इन द वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट द बिगिनिंग ऑफ न्योलिथिक पीरियड इज 9000 BC। इसका जो समय है दुनिया के स्तर पर, अगर विश्व स्तर पर खोज की बात करें, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि जो सिविलाइजेशन है या जो ह्यूमन का इवोल्यूशन है वो सिर्फ भारत में ही दिखाई दिया, ये तो पूरी दुनिया में हुआ था। तो दुनिया के संदर्भ में अगर देखा जाए तो 9000 BC में ही ये इसके जो प्रमाण है वो दिखते हैं, लेकिन अपने यहाँ यानी इंडिया में स्टार्ट होता है ये 4000 BC से, यानी बाद में मनुष्य ने यहाँ पर आने का काम शुरू किया था, मतलब जो एविडेंसेज मिले हैं उसके आधार पर। अब इसके बाद नेक्स्ट आगे की पंक्तियों को देख लेते हैं। द टर्म न्योलिथिक वाज फर्स्ट यूज बाई सर जॉन लुबाक। ये जो न्योलिथिक वर्ड है ये पहली बार जॉन लुबाक के द्वारा यूज़ किया गया था इन हिज बुक प्री हिस्टोरिक टाइम्स। इन्होंने किताब लिखी थी। द गॉर्डन चाइल्ड यूज वर्ड लाइक ग्रेन प्रोड्यूसिंग कल्चर, क्योंकि इस समय ग्रेन का प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका था। एंड न्योलिथिक रिवॉल्यूशन टू रिफर टू न्योलिथिक कैलकोलिथिक कल्चर। यहाँ ये जो कल्चर है ना, इसमें न्योलिथिक के साथ जो कैलकोलिथिक वर्ड है वो भी जुड़ा हुआ है। वी गॉर्डन चाइल्ड वॉज एन ऑस्ट्रेलियन आर्क्योलॉजिस्ट। इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप जानते रहिए। ही हैड टर्म आयरन। इन्होंने आयरन को क्या कहा, जरा ध्यान से देखेगा, कभी कभी इस तरह के जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वो पूछ लिए जाते हैं। इसे डेमोक्रेटिक मेटल के नाम से उन्होंने संबोधित किया था। अब यहाँ पर कुछ जो चिसल स्क्रैपर जैसे राउंड स्टोन, ये औजारों के नाम है, मतलब टूल्स के नाम है, विथ होल्स, इनके अंदर छेद होते थे जिसके सहारे मूठ वगैरह इसके साथ जोड़ी जा सकती है, बिलोंग टू द न्योलिथिक एज। इस तरह के जो एडवांस टूल थे वो न्योलिथिक एज से संबंधित हैं। अब यहाँ आप मेहरगढ़ को देखें, तो मेहरगढ़ के बारे में कहा गया है कि प्रेजेंट द अर्लीस्ट एंड क्लियरेस्ट न्योलिथिक एविडेंस ऑफ वेरियस स्टेज ऑफ ट्रांजिशन ऑफ मैन फ्रॉम बींग अ हंटर एंड कलेक्टर टू लर्निंग एनिमल हस्बेंड्री एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। मतलब पहले इंसान की हैसियत क्या थी, वो हंटर और कलेक्टर था। किस चीज़ का कलेक्टर था, तो जिले का कलेक्टर नहीं था, वो खाने की चीज़ों को इकट्ठा करता था, उन्हें कलेक्ट करता था। अनाज के दाने होते थे, कंदमूल फल होता था, जो पौधों की जड़ें होती हैं, एडिबल रूट्स होती हैं, उनको ये खोद के पत्थर से निकालता था। आपने शुरुआती वीडियोस देखे होंगे, तो इस तरह की चीज़ें इसकी थी। बाद में क्या होता है कि उन्हीं बीजों को जब एक बार गलती से ज़मीन में छोड़ देता है तो कुछ पौधे उगते हैं, और पौधे उगते हैं तो वो देखता है कि जैसे बीज उसने वहाँ ज़मीन पर छोड़े थे ठीक वैसे ही और उससे कहीं ज़्यादा मात्रा में उस पौधे से जनरेट हो रहे हैं। तो उसे ये मालूम होता है कि ये मिट्टी जो है एक तरह का चलता फिरता बैंक है, और इसके अंदर आप जो डालोगे वो डबल ट्रिपल नहीं बल्कि कई गुना, मतलब कई हजार गुना होकर वापस मिलेगा। तो ऐसी जब उसे जानकारी होती है तो सोचता है कि हम तो बेवकूफ़ी कर रहे थे, अनाज के लिए इधर उधर भटक रहे थे, तो अभी वो खेती करने वाला काम शुरू करता है। ये सब धीरे धीरे होता है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो एल्चिन कपल एंड बीके थापर एक्नॉलेज द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूलिथिक कल्चर ऑफ चाइना इन द इमर्जेंस ऑफ न्यूलिथिक कल्चर ऑफ नॉर्थ इंडिया। ये छोटी छोटी जानकारियाँ हैं, इनका आपस में कनेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये न्यूलिथिक कल्चर या न्यूलिथिक जो पीरियड है उससे संबंधित। अब यहाँ पर दो भाग में इसे डिवाइड कर दिया गया है। ये जो न्यूलिथिक पीरियड है, टू पार्ट्स इसके हैं, या टू फेज आप कह सकते हैं। पहला तो नॉन पॉटरी एज है और दूसरा पॉटरी पीरियड है। पहले वाले में बर्तन यानी पॉट्स नहीं मिलते हैं, मतलब उस समय के नहीं मिलते हैं, रहे भी होंगे तो उपलब्ध नहीं। और दूसरा जो समय है जिस समय हमें पॉट्स मिलते हैं, जिसके बारे में और भी चीज़ें, मतलब पॉट्स से बहुत कुछ जानने के लिए मिलता है, तो वो पॉटरी पीरियड।
अब यहाँ पर ये बताया गया कि ग्रेन्स वर फर्स्ट इवर प्रोड्यूस इन न्योलिथिक एज, पहली बार इसका जो प्रोडक्शन है, हालांकि इसकी जानकारी जो मेसोलिथिक एज है उसका जो लास्ट टाइम चल रहा था उस समय हो जाती है, लेकिन कृषि के जो साक्ष्य हैं मतलब एविडेंसेज हैं वो मिलते हैं न्योलिथिक के। ठीक, तो न्योलिथिक एज में ये पहली बार प्रोड्यूस होता है। वीट कल्टिवेशन स्टार्टेड ड्यूरिंग दिस पीरियड अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिसर्च द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यहाँ पर हम अपने ही जो क्षेत्र है उसी की बात करेंगे, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैज बीन रिपोर्टेड फ्रॉम लहुरा देव साइट इन संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। सबसे पुराना साक्ष्य जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का एग्रीकल्चर का है वो हमें कहाँ से मिलता है, ये लहुरा देव जो जगह है मतलब ये आर्कियोलॉजिकल साइट है यहाँ से प्राप्त होता है, और इसकी लोकेशन कहाँ है तो संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट में है जिसका पुराना नाम मगहर था। कबीरदास जी जो है वो वाराणसी में पैदा होते हैं और वो जाति पाति और जो तरह तरह की परंपराएं हैं रूढ़ियां हैं उनका विरोध करते हैं, आप जानते ही, बड़े ही बेफिक्र और अखड़ प्रवृत्ति के होते हैं। तो उन्हें ये कहा जाता है मतलब लोगों से वो सुनते हैं कि भाई काशी में मरोगे तो स्वर्ग में जाओगे यानी वाराणसी में, और मगहर में जो मरेगा उसको नरक भी नहीं नसीब होगा, मतलब बहुत बुरी गति उसकी होगी। तो कबीरदास कहते हैं कि ये सब फ्रॉड है और मैं इसे गलत सिद्ध करूंगा। तो जब उनका बुढ़ापे वाला टाइम आता है मतलब एकदम जीर्ण हो जाते हैं तो वो चले जाते हैं मगहर और वहीं पर अपनी देह का त्याग करते हैं, तो इसीलिए उसका नाम बाद में बदलकर संत कबीर नगर कर दिया गया। तो वो अपनी जो ये परंपरा फैली हुई थी लोगों के द्वारा फैलाई गई थी उसको गलत सिद्ध करते हैं। फिलहाल यहाँ पे जो संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ लहुरा देव साइट है और यहाँ से सबसे अर्लीस्ट एविडेंस प्राप्त हुए एग्रीकल्चर के, और फ्रॉम हियर 9000 BC टू 7000 BC एविडेंस ऑफ मिडिल राइस हैज बीन फाउंड। ठीक है, ये जो चावल उगाने के साक्ष्य हैं ये यहाँ से प्राप्त हुए हैं प्रायर टू दिस लेटेस्ट रिसर्च। अब ये लेटेस्ट है, ध्यान दीजिएगा, इससे पहले मेहरगढ़ के जिनमें ये नाम था लोगों को पता नहीं था, तो अभी बहुत सी चीज़ें अभी जानकारी से परे हैं यानी जिन्हें हम नहीं जानते, तो इसीलिए बताया गया कि प्रायर टू दिस लेटेस्ट रिसर्च मेहरगढ़ वाज द साइट विद द ओल्डेस्ट एग्रीकल्चर एविडेंस ऑन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। लेकिन अभी क्या है, तो अभी आप देख रहे हैं कि ये लहुरा देव हो गया जो कि अपने यूपी में है। नेक्स्ट यहाँ आप देखें, ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाइल द साइट विद द अर्लीस्ट राइस एविडेंस वॉज बिलीव टू बी कोल्डिहा इलाहाबाद। ये जो कोल्डिहा नाम की जगह है ना ये भी इलाहाबाद में पड़ती है मतलब प्रयागराज में पड़ती है, तो यहाँ से जो अर्लीस्ट राइस एविडेंस है वो प्राप्त हुए। अब यहाँ पर कुछ और अर्लीस्ट चीज़ों को देख लीजिए, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ वीट बर्ली कल्टिवेशन हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन बलूचिस्तान साउथ एशिया। वीट बर्ली, इन्हें पानी कम चाहिए होता है मतलब गेहूं को भी पानी की कम आवश्यकता होती है हालांकि मध्यम आवश्यकता होती है, और बर्ली जो होता है ये तो शुष्क जलवायु में होता है तो ड्राई क्लाइमेट इसको चाहिए होता है, इसलिए बलूचिस्तान वाला जो एरिया है साउथ एशिया का वहाँ पर पहली बार इसके कल्टिवेशन के जो एविडेंसेज हैं वो देखे गए। अबाउट 7000 BC, यहाँ आप नीचे देख रहे हैं, अबाउट 7000 BC एगो राइस वॉज कल्टिवेटेड इन चाइना यांगजी रिवर वैली रीजन। ये जो यांगजी या यांगटीसी इसको कहा जाता है ये नदी है, तो इसका जो रिवर वैली रीजन था वहाँ से हमें जो राइस के कल्टीवेशन के साक्ष्य हैं वो प्राप्त होते हैं। द फर्स्ट एविडेंस ऑफ मेज वाज फाउंड इन मैक्सिको, मेज के कल्टीवेशन के जो पहले एविडेंसेज हैं वो मैक्सिको से मिलते हैं, और मिलेट का कहाँ से मिलता है तो ये भी चाइना से ही प्राप्त होता है पहली बार। सोरगम का प्राप्त होता है ईस्ट अफ्रीका से, और ईस्ट अफ्रीका के बाद आप मस्टर्ड को देख लीजिए तो मस्टर्ड इन साउथ ईस्ट एशिया, ये साउथ ईस्ट एशिया का ही है, ये ज़्यादा बाहर का नहीं है, अपना नेटिव है। और ओट का जो साक्ष्य है वो यूरोप से प्राप्त होता है, ये अंग्रेज़ों की चीज़ है। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ डॉग स्केल्टन्स की बात हो रही है। भाई कुत्ते जमाने से पाले जाते हैं, ये आदमी का सबसे अच्छा दोस्त होता है और सच में होता है, तो इंसान इसको बहुत पहले से रखता है। इसका साक्ष्य यहाँ से मिला है लेकिन ये दुखद साक्ष्य है, मतलब इंसान के साथ कुत्ते को जिंदा दफना दिया जाता था ऐसा जो प्रमाण है वो बताता है, मतलब अपने मालिक के साथ वो दफना दिया गया बेचारा ताकि अपने मालिक की वो जो आत्मा है या जो मरने के बाद उसकी गति है उसमें भी उसकी सहायता करेगा, उसके साथ रहेगा। तो ये थोड़ी सी यहाँ क्रूरता है, फिलहाल ये मान्यता उनकी थी, रूढ़ियाँ थी। तो डॉग स्केल्टन अलॉन्ग विथ ह्यूमन स्केल्टन हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम बुर्ज होम जम्मू कश्मीर। कुछ लोग ये तर्क देते हैं कि भाई कुत्ता भी मरा हुआ था, तो ये मूर्खता है, मतलब मालिक और कुत्ते एक साथ कैसे मर सकते हैं, ये संभव नहीं है। इंसान मरा होगा, बेचारे कुत्ते को जबरदस्ती पकड़कर नीचे दफन कर दिया। अब यहाँ अगर आप देखें, दिस साइट वॉज डिस्कवर्ड बाई डीटेरा एंड पीटरसन इन ईयर 1935। ये एक बुरी परंपरा थी। अब यहाँ अगर आप देखिए तो चिरांद इज लोकेटेड इन सारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। ये जो चिरांद नाम की जगह है ये असल में सारण जिले में पड़ता है मतलब बिहार राज्य में पड़ता है, और इसके बारे में कहा गया, यहाँ हम इसके विषय में क्यों देख रहे हैं, आफ्टर बुर्जहोम यानी जम्मू कश्मीर वाला जो बुर्जहोम नाम का न्योलिथिक साइट है उसके बाद लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्योलिथिक टूल हैव बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम चिरांद। उसके बाद मतलब सबसे पहले नंबर पर तो बुर्जहोम ही है लेकिन यहाँ दूसरे नंबर पर चिरांद का पोजीशन आता है जिसमें कि न्योलिथिक टूल्स ढेर सारी मात्रा में पाए गए हैं। मेनी बोन टूल्स हैव बीन ऑब्टेन फ्रॉम हियर, हड्डी के भी बहुत सारे टूल्स जो हैं वो मिले हैं और बाकी पत्थर इत्यादि के। अब ऐश माउंट्स जो है वो पाए गए हैं न्योलिथिक साइट में, संगन कल्लू जो जगह है वहाँ से, ये बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है मैसूर में, मतलब मैसूर का अर्थ यहाँ पे कर्नाटक राज्य से है। और माउंट ऑफ ऐश हैव आल्सो बीन फाउंड इन पिकलीहल, ये पिकलीहल से भी पाए गए हैं। फायर वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन न्योलिथिक पीरियड।
आग का भी जो साक्ष्य के तौर पे हमें प्रमाण प्राप्त होता है कि मतलब आग का इजाद हो चुका था तो वो न्यूलिथिक पीरियड ही है, ये मेसोलिथिक तक हमें नहीं मिलता है। अगर रहा भी होगा तो इसका जो इविडियंस है वो प्राप्त नहीं होता है। अब यहाँ पर मेटल्स के बारे में चर्चा शुरू हो गई है। तो कॉपर वॉज द फर्स्ट मेटल यूज, कैल्कोलिथिक मीन्स द एज ऑफ यूज ऑफ स्टोन एंड कॉपर। पहले तो इंसान ने जो सामने दिखा उसी को इस्तेमाल करना शुरू किया जो कि स्टोन था, आसानी से उपलब्ध हो जाता था। और जितने भी मेटल्स होते हैं प्रायः वो जमीन के अंदर होते हैं, तो जब पत्थरों को उखाड़ने और उनसे टूल्स बनाने की प्रक्रिया आगे बढ़ती है तो उसी चक्कर में जमीन की भी खुदाई हो जाती है। और जब जमीन को उजाड़ा जाता है मतलब ऊपरी परत को हटाया जाता है तो धातुओं के बारे में धीरे धीरे करके जानकारी होती है। तो ये जो कॉपर का जानकारी है या कॉपर का जो पहला यहाँ पे नॉलेज है ये इंसान को होता है, तो ये फर्स्ट मेटल था जो कि मनुष्य के द्वारा इस्तेमाल किया गया। लेकिन अभी पत्थर वो पहले से यूज़ कर रहा था तो पत्थर के साथ मिला के इसको इस्तेमाल करने का काम वो शुरू करता है। इसीलिए ये जो इराथिया या जो एज है इसको कैल्कोलिथिक एज के तौर पर या कैल्कोलिथिक पीरियड के तौर पर हम देखते हैं। सेटलमेंट्स ऑफ कैल्कोलिथिक पीरियड इन इंडिया वर फाउंड इन साउथ ईस्ट राजस्थान, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, वेस्टर्न महाराष्ट्र एंड साउथ ईस्ट इंडिया। कहाँ कहाँ से मिले हैं वो आप देखते रहिए। अब यहाँ एक चीज़ और बताई गई है कि टू आर्कियोलॉजिकल साइट हैव बीन एक्सकेवेटेड इन साउथ ईस्टर्न राजस्थान, दीज आर अहाड़ एंड गिलुंद। इनके नाम आपने सुने होंगे, ठीक है। दीज साइट आर लोकेटेड इन बनास रिवर वैली, जो बनास नदी की घाटी है वहाँ पर ये बसे हुए हैं। और ज़्यादातर जो एंशियंट साइट्स हैं या अभी भी वही बात है, नदियों के तट पे या नदियों की जो घाटियाँ होती थी वहाँ इनकी बसावट होती थी, सभ्यताओं का उदय या उद्भव ऐसे ही हुआ है। द एंशियंट नेम ऑफ अहाड़ इज ताम्बवती, ताम्रवती इसको कहा जाता है, बाद में बिगड़ते बिगड़ते ताम्बवती और किसी जमाने में बिगड़कर अहाड़ हो गया है, तो इसका पुराना नाम यहाँ पे ताम्बवती हम देख रहे हैं। नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ प्लेस ऑफ कॉपर, ये तो नाम से ही पता लग रहा है, ताम्र का स्थान यानी कॉपर का स्थान। अ मड बिल्डिंग हैज़ बीन बिल्ट इन गिलुंद नियर अहाड़, बट एट सम प्लेसेस देयर आर, यहाँ आप देखें, एट सम प्लेसेस देयर आर आल्सो पेव्ड ब्रिक्स, मतलब ऐसा नहीं है कि कच्ची बिल्डिंग बना दी तो उन्हें ईंटों या मतलब मिट्टी को पकाने की जानकारी नहीं थी, जो पकी हुई ईंटें हैं यानी ब्रिक्स हैं वो भी पाई गई हैं, उससे भी जो स्ट्रक्चर है या जो कंस्ट्रक्शन है वो किया गया है, लेकिन एक मड बिल्डिंग भी जो है यहाँ पाई गई, तो दोनों तरीके के मकान बनते थे। और कॉपर पीसेज आर फाउंड इन गिलुंद, तो कॉपर के टुकड़े मिले हैं, इसका मतलब है कि धातु की जानकारी इन लोगों को थी। अब यहाँ पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इसका देख लेते हैं क्योंकि कभी कभी ये अरेंज करने के लिए आ जाता है। तो द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ मेजर कैल्कोलिथिक कल्चर्स विच वर प्रीवेलेंट इन इंडिया एज फॉलो। अब यहाँ पर प्रीवेलेंट कैसे थे इनका जो समय है उसे देखिए, तो पहले है कायथा, उसके बाद है अहाड़, फिर मालवा, फिर जोरवे, ये इनका क्रम है। सबसे पहले इसमें कायथा, उसके बाद अहाड़, फिर मालवा, फिर जोरवे। अब कायथा जो है वो उज्जैन में पड़ता है यानी मध्य प्रदेश, अहाड़ जो है वो आप जानते ही है राजस्थान का है मतलब उदयपुर वाला रीजन पड़ेगा, मालवा भी एमपी में है, और जोरवे जो है ये महाराष्ट्र जो अहमदनगर वाला एरिया है वहाँ पे है। तो जोरवे जो है उसकी एक खास लोकेशन है, लेकिन उससे रिलेटेड कल्चर जहाँ जहाँ साउथ में देखा गया तो उस पूरे को कंबाइंडली कह दिया गया जोरवे कल्चर। तो यहाँ ये बताया गया कि इन द कैल्कोलिथिक पीरियड सर्कुलर पिट ड्वेलिंग हैव बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम अहाड़, अहाड़ गिलुंद मर्मी एंड बालाथल वर द मेजर कैल्कोलिथिक साइट लोकेटेड इन राजस्थान। तो राजस्थान की जो साइट्स हैं इस जमाने की उसे आपने देखा। मालवा, कायथा, एरन एंड नवादा टोली आर द मेजर साइट्स इन वेस्टर्न मध्य प्रदेश। नवादा टोली इज एन इंपॉर्टेंट कैल्कोलिथिक साइट ऑफ मध्य प्रदेश विच इज लोकेटेड नियर इंदौर। इसकी लोकेशन कहाँ पे है तो आप ऐसे मतलब मैप के हिसाब से देखना चाहें तो इंदौर के पास में। और इट वॉज एक्सकेवेटेड बाई एच डी सांकलिया, इसको एच डी सांकलिया के द्वारा खोदा गया था, मतलब उनके मार्गदर्शन में खोदा गया था। ऐसा थोड़े ही होता है कि ये जो हिस्टोरियन है या जो ये पुरातत्वविद हैं ये खुद ही खोदते हैं, इनके सौजन्य से या इनके कहने पर जो मजदूर हैं वो खोदते हैं। अब यहाँ आप देखें कि द मेजर साइट ऑफ वेस्टर्न महाराष्ट्र आर जोरवे, नेवासा एंड दैमाबाद इन अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट, और चंदौली, सोनगांव, इमानगांव, प्रकाश एंड नासिक इन पुणे डिस्ट्रिक्ट। ऑल दीज साइट्स, ये सब जो महाराष्ट्र वाला रीजन है वहाँ पर पड़ती हैं सारी साइट्स, जिलेवार यहाँ बताया गया है ताकि आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता लगे। ऑल दीज साइट्स बिलोंग टू जोरवे कल्चर, तो महाराष्ट्र में आप समझ लीजिए जितने भी आपको मिलेंगे वो लगभग सभी जोरवे कल्चर से ही बिलोंग करते हैं। एमंग द जोरवे साइट नोन सो फार, दैमाबाद ऑफ गोदावरी इज द लार्जेस्ट, सबसे बड़ा इसमें जोरवे कल्चर का जो साइट है वो कौन सा है, दैमाबाद है, जो कि गोदावरी के तट पे बसा हुआ है। और इविडियंस ऑफ जूट हैज बीन फाउंड फ्रॉम नेवासा, जूट के जो साक्ष्य हैं वो नेवासा से प्राप्त हुए हैं। इविडियंस ऑफ बरियल ऑफ डेट इनसाइड द हाउसेज अंडर द फ्लोर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन हैज बीन फाउंड इन आर्कियोलॉजिकल साइट लाइक नेवासा, दैमाबाद, चंदौली, इमानगांव एक्सेट्रा। ये जो घर में शव दफनाने का प्रमाण है इविडियंसेज हैं वो कहाँ कहाँ से मिले हैं वो दिया हुआ है। तो आमतौर पे जो डेड बॉडी को हाउस में हाउसेस के अंदर ही मतलब जो आंगन जैसा होता था, बीच का हिस्सा होता था, वहाँ पे दफन किया जाता था, तो उसमें प्रायः दफनाने का तरीका ये होता था कि नॉर्थ टू साउथ उनकी जो डायरेक्शन है यानी सिर जो है वो नॉर्थ में रहता था और पैर जो है वो साउथ में रहता था। ये एक साइंटिफिक फैक्ट है, मतलब जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है उसके अकॉर्डिंग ये जो शवों का दफनाने का काम है वो किया जाता था। इसीलिए कहा जाता है कि जिंदा आदमी को कभी भी
उत्तर दिशा की ओर सिर करके नहीं सोना चाहिए। इससे जो मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस है वो पैदा होता है, मतलब उसकी जो मानसिक तरंगे हैं वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ तालमेल नहीं बिठा पाती, तो तरह तरह की बीमारियां होती हैं कहने का मतलब, और मरे हुए को वैसे ही सुलाया जाता है। फिलहाल यहाँ पर आप देखें तो नॉर्थ टू साउथ वाला जो दफनाने का काम है वो होता है, और इस तरह के जो डायरेक्शन वाले दफनाने के साक्ष्य हैं वो हमें मिले हुए हैं, जैसे कि नेवासा, दैमाबाद, चंदौली, ईमानगांव एक्सेट्रा। और ये सब जो साइट्स आप देख रहे हैं ये कैल्कोलिथिक कल्चर से बिलोंग करते हैं महाराष्ट्र के। आगे देखते हैं यहाँ कुछ और बातें, ये आप देख लीजिए, एन आइडल ऑफ मदर गॉडेस, मातृदेवी की मूर्ति, ये हड़प्पा सभ्यता वाला जो समय है उसमें ज़्यादातर दिखेगा। तो मदर गॉडेस हैज़ बीन फाउंड इन ईमानगांव विच इज़ सिमिलर टू सच एन आइडल फाउंड इन वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया में जो इस तरह की मूर्ति मिली है उसके काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। और अर्थन स्कल्पचर्स मेड इन गरुण स्टाइल फाउंड इन मालवा एंड राजस्थान इंडिकेट द वृषभ, वृषभ माने बुल यानी सांड की बात यहाँ पर हो रही है, वाज अ सिंबल ऑफ रिलीजियस सेक्ट, ये धार्मिक सभ्यता का प्रतीक था, मतलब कुल मिलाकर ये हिंदू यानी सनातन धर्म जो है उसका प्रतीक था। और इन महाराष्ट्र द डेड बॉडी वॉज प्लेस्ड इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बट इन साउथ इंडिया, यानी महाराष्ट्र से जब हम साउथ की ओर और मूव करेंगे तो वहाँ ये देखते हैं कि ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में इसको दफनाया जाता है, और उसमें भी जो पैर है वो पूर्व दिशा की ओर किया जाता था और जो सिर है वो पश्चिम की ओर किया जाता था। हालांकि ये बहुत साइंटिफिक नहीं है लेकिन फिर भी ठीक, और जिंदा इंसान को पश्चिम की ओर पैर और पूर्व की ओर सिर करके सोना चाहिए अगर वो ऐसे सो रहा है तो ये हमने देखा। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ आप देखें एविडेंस ऑफ कैल्कोलिथिक सेटलमेंट हैज़ बीन फाउंड इन साउथ इंडिया फ्रॉम ब्रह्मगिरी, पिकलीहल, संगनकल्लू, मस्की, हल्लूर एक्सेट्रा, ये जगहों के नाम है आप इन्हें याद रख सकते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया अलेक्जेंडर कनिंगम वॉज अपॉइंटेड एज एन आर्कियोलॉजिकल सर्वेयर इन 1861, सबसे पहले इनको अपॉइंट किया गया था 1861 में। तो वैसे भी हमने अलेक्जेंडर कनिंगम के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं। अब यहाँ ये बताया गया, यहाँ आप देख सकते हैं, इन 1871 AD द आर्कियोलॉजिकल सर्वे वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड एज अ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने बंग भंग किया इसीलिए लोग उन्हें गालियाँ देते हैं, लेकिन कुछ अच्छे काम भी किए, तो उसी में ये था पुरातत्व सर्वेक्षण। तो इट वॉज सेंट्रलाइज एज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका सेंट्रलाइजेशन उसने किया, इसे एक समेकित मान्य संस्था का रूप दिया। और यहाँ आप देखें जॉन मार्शल जो है ये इसके पहले डायरेक्टर जनरल बनाए गए थे, मतलब इसे सबसे पहले तो एक सेंट्रलाइज रूप दिया गया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नाम से, यानी ASI जिसे हम शॉर्टकट में कहते हैं, और जॉन मार्शल को इसका डायरेक्टर जनरल बनाया गया। अब यहाँ आप नीचे देख रहे हैं नेशनल ह्यूमन म्यूजियम विच वॉज रीनेम्ड एज इंदिरा गांधी नेशनल म्यूजियम इज लोकेटेड इन भोपाल मध्य प्रदेश, इट इज़ एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर, ये एक स्वायत्त शासी निकाय है, मतलब अपना सारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो इसके हाथ में रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अलग है, लेकिन ये अपने जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट है उसको चलाने के लिए अपने ऊपर निर्भर है, किसी की आज्ञा का इंतजार नहीं करता है। अब यहाँ आप और भी चीज़ों को देख रहे हैं, जैसे कि हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉपर एविडेंसेज हैव बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम गुणेरिया, ये जुगुंगेरिया या गुणेरिया नाम की जगह है, ये मध्य प्रदेश में पड़ती है, और भरतपुर साइट जो है ये वेस्ट बंगाल में है। एविडेंसेज ऑफ कैल्कोलिथिक पीरियड एंड न्योलिथिक पीरियड हैज़ बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम हियर, यहाँ से कैल्कोलिथिक और न्योलिथिक दोनों ही समय के जो एविडेंसेज हैं वो प्राप्त होते हैं। तो यहाँ तक ये वीडियो समाप्त होता है, अगला वाला जो पार्ट हमारा होगा उसमें हम हड़प्पन सिविलाइजेशन को देखेंगे, जिसमें कि हम दाढ़ी वाले पुजारी को भी देखेंगे, मिट्टी से बने हुए तरह तरह के जो स्टैचू और आइडल्स हैं उनको देखेंगे, और पशुपति भगवान शिव की जो सील प्राप्त हुई है यानी मुहर प्राप्त हुई है उसके बारे में भी जानेंगे। तो ये सारी चीज़ें होंगी नेक्स्ट पार्ट में, इसमें इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।